गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी भाई? अच्छे हो ना सारे के सारे, पढ़ रहे हो? सो मेरे बच्चों, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है। और आज की जो अच्छा आज की हमारी क्लास है बेटा जी, द हिंदू एडिटोरियल की जो क्लास है। अच्छा, ये पिछली क्लास आ गई क्या अपनी? ठीक है, तो बेटा आज की जो क्लास है ना, वो रहने वाली है हमारी द हिंदू की, क्योंकि हमने द हिंदू भी तो हम वीक में एक दिन करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी क्लास है। और जैसी क्लास हमारी पिछले हफ्ते थी ना, सेम एज वैसी की वैसी ही क्लास है, मतलब उसी मनी लॉन्ड्रिंग केस की है, लेकिन वो केस अलग है, उसके ऊपर आज हमारी क्लास है बेटा। ठीक है, हे भगवान, ये मेरे को लगता है। चलो, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को आपने क्या कर लेना है बेटा, सब्सक्राइब कर लेना है। और है लेट्स लर्न इंग्लिश विद बबलू सर, आप जानते हैं बहुत ही अच्छे सर हैं। और आज की हमारी क्लास है द हिंदू एडिटोरियल की। क्या है? द हिंदू एडिटोरियल, जो हमें सीखना है। ठीक है भाई, तो आज है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट बिगिंस क्वेश्चनिंग झारखंड सीएम, भी झारखंड का जो सीएम है उनके बारे में बात हुई है, हेमंत सोरेन इन मनी लॉन्ड्रिंग केस, उसके ऊपर जो हमारा आज का जो है बेटा, ये हमारा आज का ये रहने वाला है द हिंदू एडिटोरियल। ठीक है भाई, तो हम कर लेते हैं इसके बारे में बात। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी कर लेते हैं वोकैब, सबसे पहले हम इसकी करेंगे बेटा जी वोकैब। अच्छे से दिख रहा है क्या ये? कि मेरे को ही लग रहा है जैसे, मतलब मजा सा नहीं आ रहा ना। चलो आज काम चलाओ, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे भाई, मेरे को खुद को लग रहा है जैसे सही मजा सा नहीं आ रहा इसमें। चलो, पहला वर्ड है सिल्यूत। क्या है? सिल्यूत, पहला वर्ड है बेटा सिल्यूत, जिसका मीनिंग हो गया अड क्या हो गया, एड ए सब हेडिंग्स समवन हु जॉब इज टू डू टू डिस्कवर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्राइम्स एंड फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। मतलब क्या है, कोई ऐसा पर्सन होता है जिसकी जॉब होती है कि जानकारी, कोई क्राइम जो हो जाता है, कोई भी जो क्राइम हो जाता है उसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी निकालना, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनके बारे में ये आज की क्लास है, उनके बारे में उनकी ये जो चीज़ है। तो एक मिनट भाई, ये पहला वर्ड मैं एक बार देख लेता हूँ, क्या अच्छे से शो हो रहा है सब कुछ बेटा? बिल्कुल, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हमें शो हो रहा है, देखना भी ज़रूरी है, वरना मैं PDF का मोड चेंज करता। तो ये हमारा पहला वर्ड है द हिंदू का स्ल्यूथ, जिसका मीनिंग हो गया एक ऐसा पर्सन जिसकी ये जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी होती है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन होती है कोई भी क्राइम, उसको कलेक्ट करना, उसको फाइंड आउट करना, मतलब जो भी चीज़ें होती है इन्वेस्टिगेट करना, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है उसके बारे में बातें करता है। दूसरा है बेटा कंसेंट, आसान है ये तो, कंसेंट जिसका मतलब हो गया एन एक्ट ऑफ गिविंग एग्रीमेंट टू समथिंग दैट इज रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। मतलब किसी को सहमति देना, एग्रीमेंट देना किसी लिए जो कानून के द्वारा रिकग्नाइज किया गया हो, और द फॉर्म दिस एग्रीमेंट इज रिटन ऑन, और वो एग्रीमेंट क्या हो, रिटन हो, और वो एग्रीमेंट क्या हो बेटा जी, रिटन हो, और वो एग्रीमेंट क्या हो, रिटन हो, रिटन ऑन। तो मतलब मेन मीनिंग क्या हो गया इसका, सहमति देना, क्या होना, सहमति देना, एग्री करना किसी भी चीज़ से, कंसेंट का मीनिंग हो गया। अगला है पर्सोनल, क्या है बेटा पर्सोनल, जिसका मीनिंग हो गया द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। मतलब ऐसे पर्सन जो किसी कंपनी में एम्प्लॉय रहे हों, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे हों, और वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, या फिर आर्म्ड फोर्सेज यानी आर्मी की जो फोर्स होती है उससे भी इस वर्ड को रिलेट कर लिया जाता है, उससे भी हम इस वर्ड को रिलेट कर लेते हैं, उससे भी हम इस वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। पर्सोनल का मीनिंग क्या हो गया, भी आर्म्ड फोर्सेज के लिए रिलेट किया जाता है। अगला हो गया बेटा जी प्रोब,
क्या है? प्रोब, जिसका मीनिंग हो गया टू ट्राई टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन, टू ट्राई टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन दैट अदर पीपल, भी लोगों से इंफॉर्मेशन की खोजबीन करना, दूसरे लोगों से, डू नॉट वॉन्ट टू नो, जिसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डिस्कवर करना, जिसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते, बाई आस्किंग क्वेश्चन केयरफुली एंड नॉट डायरेक्टली, भी लोगों से बातों में घुमा फिरा के लोगों से क्वेश्चन पूछना। देखो, जब भी आपसे एक तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कोई भी आके, नॉर्मल छानबीन करता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, एक आपसे बातों में लेके कुछ पूछता है, किसी भी तरह बातों में लेकर जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसी को बोला जाता है प्रोब, उसी को बोला जाता है प्रोब। अगला वर्ड है डिप्लॉय। क्या है? डिप्लॉय, जिसका मीनिंग हो गया टू मूव सोल्जर्स और इक्विपमेंट टू अ प्लेस, भाई सोल्जर्स को भेजना या इक्विपमेंट को किसी दूसरी जगह पर भेजना, वेयर दे कैन बी यूज्ड व्हेन दे आर नीडेड, जहां पर उनको यूज किया जा सके जब उनकी जरूरत हो। जब सोल्जर्स को हम कहीं भेजते हैं कब? जब उन्हें, जब हमें उनकी जरूरत होती है वहां भेजने की, तो इसको डिप्लॉय बोला जाता है। अगला है कन्वीन। क्या है बेटा जी? कन्वीन, जिसका मीनिंग हो गया टू ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल मीटिंग और टू मीट फॉर मीटिंग। कन्वीनर कराया था ना लास्ट, कन्वीनर किया था, एक लोगों की मीटिंग अरेंज कराने वाला, तो ये क्या है? मीटिंग अरेंज करना या लोगों को बुलाना मीटिंग अरेंज करने के लिए लोगों को, या कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी या कुछ और हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। उसके बाद आ गया आउटकम। आउटकम का वैसे मीनिंग आसान होता है लेकिन फिर भी नहीं पता होता कईयों को, तो मैंने बोल दिया रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन या सिचुएशन का जो रिजल्ट आता है, जो इफेक्ट होता है, उसको बोला जाता है बेटा आउटकम, उसको बोला जाता है आउटकम। अगला वर्ड है स्पोक्स पर्सन। आसान है, याद भी रखोगे। क्या है? स्पोक्स पर्सन, जिसका मीनिंग हो गया अ पर्सन हु इज चूजन टू स्पीक, एक ऐसा पर्सन जिसको चूज किया जाता है बोलने के लिए ऑफिशियली फॉर अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करता है, उसके लिए जो वक्ता बनता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पोक्स पर्सन। क्या यूज करोगे? स्पोक्स पर्सन। अगला है क्विज। बड़ा ही आसान है क्विज। क्विज का मीनिंग होता है टू आस्क समबडी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन, भी लोगों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना। एक होता है अ लॉट ऑफ और एक होता है लॉट्स ऑफ, या तो होगा अ लॉट ऑफ या होगा लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ याद रख लो। ये पता है कैसे? ऑल आउट ऑफ, कहीं भी एरर भी दिख जाए ना तो ऑल आउट ऑफ दिखेगा आपको, या फिर आपको दिखेगा लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ के साथ ए नहीं आएगा और ए लॉट्स ऑफ इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है ना? छोटी छोटी बातें याद रख लिया करो। टू आस्क समबडी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू भी फिक्स फ्रेजल वर्ब होती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती है ये, गेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगला है स्पॉन्टेनियस। क्या है? स्पॉन्टेनियस, जिसका मीनिंग हो गया हैपनिंग और डन इन ए नेचुरल ओफन सडन वे, मतलब कोई काम जब अचानक हो जाए, कोई भी काम बेटा जब सडनली हो जाए, अचानक हो जाए, मतलब कोई प्लानिंग से ना हो, भी विदाउट एनी प्लानिंग और विदाउट बीइंग फोर्स्ड, भी कोई प्लानिंग भी ना हो और किसी भी चीज के लिए आपको फोर्स भी ना किया गया हो, कोई प्लानिंग भी ना हो और आपको फोर्स भी ना किया गया हो, तो उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। अगला है सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी क्या है बेटा जी? सोलिडेरिटी, जिसका मीनिंग हो गया एग्रीमेंट बिटवीन एंड सपोर्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, भाई जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में या तो कोई एग्रीमेंट हो या उनके लिए सपोर्ट हो, स्पेशली ए पॉलिटिकल ग्रुप, जो पॉलिटिकल ग्रुप होता है उसके लिए स्पेशली यूज किया जाता है, उसके लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है कि पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो दो पॉलिटिकल ग्रुप होते हों या ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके बीच में या तो कोई एग्रीमेंट हो या कोई सपोर्ट हो, समझौता हो। अगला हो गया, अच्छा परटेन टू। क्या हो गया? परटेन टू क्या वर्ड है हमारा? क्या फ्रेजल वर्ब होती है ये जो है परटेन टू, जिसका मीनिंग हो गया टू बी कनेक्टेड विद ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, इवेंट से या सिचुएशन से जो चीज़ क्या हो? कनेक्टेड हो।
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिचुएशन से कोई भी चीज़ क्या हो, कनेक्टेड हो, कनेक्टेड हो, उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं प्रेटेंड टू। अगला है पेटिशन। क्या है जी पेटिशन, जिसका मीनिंग हो गया अ डॉक्यूमेंट साइंड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे बहुत ज़्यादा लोग साइन करते हैं, और आस्किंग फॉर सम एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट और अनदर अथॉरिटी। भी बचपन याद करो, बचपन में तुम जैसे प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिखते थे, जैसे तुमने लिख दिया तुम्हें अपनी क्लास का मॉनिटर चेंज करना है, तुम फिफ्थ फोर्थ सिक्स क्लास में होते थे, तुम्हें अपनी क्लास का मॉनिटर चेंज करवाना, भी मॉनिटर हमारी क्लास का अच्छा नहीं है, तो तुम सब लोग एक एप्लीकेशन लिखते थे, जो भी बात आपने लिखनी होती थी, उसके बाद आप सभी क्लास के मेंबर्स यानी सभी क्लास के जो स्टूडेंट्स थे वो मिलकर आप लोग क्या करते थे, वो मिलकर आप लोग करते थे साइन। तो उसी चीज़ को तो बोला जाता है पेटिशन। क्या बोलेंगे आप पेटिशन, जिसका मीनिंग हो गया अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिमांडिंग और आस्किंग फॉर सम एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट और अनदर अथॉरिटी, इस तरीके से आप यूज करते हैं। अगला है बेटा सीक। क्या है सीक, जिसका मीनिंग हो गया टू आस्क फॉर एडवाइस हेल्प अप्रूवल, भाई किसी एडवाइस के लिए हेल्प के लिए अप्रूवल और परमिशन के लिए कहना, एडवाइस इसके लिए कहना। टर्म का मीनिंग हो गया टू डिस्क्राइब समबडी समथिंग बाई यूजिंग पर्टिकुलर वर्ड और एक्सप्रेशन, भाई किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, लेकिन कैसे कैसे, किसी एक्सप्रेशन से या पर्टिकुलर वर्ड से, किसी एक्सप्रेशन से या पर्टिकुलर वर्ड से, जैसे आप बोल देते हैं शाहरुख खान को द किंग खान, अमिताभ बच्चन को द बिग बी, इस तरीके से आप बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और अगला है कोएलिएशन। कोएलिएशन जिसका मीनिंग हो गया द जॉइनिंग टुगेदर, लोगों की जॉइनिंग ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया भाई, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जब ज्वाइन होती है एक साथ और ग्रुप होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, यूजुअली फॉर लिमिटेड टाइम और लिमिटेड टाइम के लिए भी, और अ गवर्नमेंट दैट इज परफॉर्म्ड दिस इन दिस वे, भी कोई गवर्नमेंट होती है जो किससे बनती है, जो फ्यूजन से बनती है, जो मैं कह सकता हूँ मिली जुली सरकार होती है, गठबंधन से बनती है, गठबंधन कह सकता हूँ मैं इसको भाई। हिंदी मीनिंग की बात करूँ बेटा तो गठबंधन, गठबंधन हिंदी मीनिंग इसका आ जाता है, गठबंधन इसका हिंदी मीनिंग आ जाता है। तो एक बार रिपीट कर लेंगे, कोएलिएशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का गठबंधन वगैरह होना, टर्म का मतलब हो गया किसी को पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या वर्ड से डिस्क्राइब करना, सीक का मीनिंग हो गया किसी से एडवाइस हेल्प अप्रूवल परमिशन के लिए कहना, पेटिशन का मीनिंग हो गया लोगों के, बहुत सारे लोगों के द्वारा जब साइन करा के आप कुछ करवाना चाहते हो, परटेन टू का मीनिंग हो गया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इवेंट या सिचुएशन से क्या होना बेटा, कनेक्ट होना। सॉलिडेरिटी का मीनिंग हो गया लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना, ग्रुप्स के बीच में एग्रीमेंट होना, सपोर्ट होना। और स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई चीज़ अचानक हो जाना, नेचुरली होना। क्विज का मतलब लोगों से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना। स्पोक्स पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के लिए बोलता हो। और आउटकम मतलब रिजल्ट हो गया। और कन्वीन का मतलब हो गया मीटिंग्स अरेंज करना। और डिप्लॉय का मतलब हो गया सोल्जर्स को कहीं भेजना जहाँ पर उनकी नीड हो। और प्रोब का मतलब हो गया भी इन्फॉर्मेशन निकालना लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालना इनडायरेक्ट वे से। और पर्सोनल का मतलब हो गया आर्म्ड फोर्सेस से हमने रिलेट किया था। और अगला है कंसेंट का मतलब हो गया था मेरे भाई एग्रीमेंट। और सल्यूथ का मीनिंग हो गया भाई इन्फॉर्मेशन निकालना, कोई भी क्राइम होता है उसके बारे में, कोई जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार होता है उसके बारे में बातें करना। तो ये हमारा आज का हम करते हैं मेरे भाई स्टार्ट। बहुत बड़ा है ये तो, फिर भी हम करेंगे भाई। हाँ यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको देखो, इतने मैं देख लेता हूँ वीडियो ओके चल रही है कि नहीं, कहीं मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँ और वीडियो हमारी रुकी खड़ी रहे। भाई ऐसा ही होता है मेरे साथ, कई बार हो जाता है ऐसा।
हाँ जी, तो करते हैं स्टार्ट। सोरेन जो झारखंड के सीएम हैं उनके बारे में बात हुई। हु इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट ऑफ द रूलिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो क्या है एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट है कौन सी रूलिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हेड। अर्लियर स्किप्ड भी उन्होंने अर्लियर स्किप किया है। सेवन सम्मन भी सम्मनसिज, मैंने आपको लास्ट क्लास में सम्मन मतलब कोर्ट के द्वारा किसी को कानूनी नोटिस भेजना कोर्ट में हाजिर होने के लिए, मैं आपको ये वर्ड पहले करा चुका हूँ बाय द ईडी। ठीक, आगे है जैसे मैंने बोल दिया सल्यूट्स। सल्यूट्स का मीनिंग अभी तो हमने जाना है, पहला वर्ड ही था कि लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाना। भी ऐसा पर्सन जो इन्फॉर्मेशन निकालता है कि क्राइम किसने किया है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हमने यूज़ कर दिया ऑफ द ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, जो था बिगेन क्वेश्चनिंग झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, भी उसने झारखंड के चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन करने स्टार्ट किए एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, उसका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पर इन रांची भी, झारखंड की राजधानी रांची, ऑन जनवरी 20 तारीख को उसने उनसे क्वेश्चन आंसर करने स्टार्ट किए, पूछताछ स्टार्ट की। आफ्टरनून इन कनेक्शन विद ए मनी लॉन्ड्रिंग केस, भी मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसके रिगार्डिंग उन्होंने करनी पूछताछ करनी स्टार्ट की। लिंक्ड टू एन एलीग्ड, एलीग्ड क्या होता है, एलीग मैंने बताया था आरोप लगाना जिसपे कोई, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में ये वर्ड किया था बे आरोप लगाना जिसके बारे में आपको कोई सबूत वगैरह ना हो। लैंड स्कैम, जो लैंड स्कैम है उसके बारे में बात हुई भाई। आगे भी है तो आगे क्या है, मिस्टर सोरेन 48 उनकी एज है, हु इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट ऑफ रूलिंग झारखंड पार्टी मुक्ति, जो भी उसके वो रूलिंग एग्जीक्यूटिव है। हेड अर्लियर स्किप्ड, भी उन्होंने स्किप किया है सेवन सम्मन, सात बार जो कोर्ट ने उनको सम्मन भेजे हैं बाई ईडी। ही फाइनली गेव हिज कंसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, कोई एग्रीमेंट आफ्टर द प्रोब क्या भाई, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना लेकिन इनडायरेक्टली एजेंसी सम्मन्ड हिम एट एट्थ टाइम, भी आठवीं बार उसने उस चीज़ को एग्री किया, आठवीं बार उसने उस चीज़ को एग्री किया, क्या एग्री किया कि जब उसको ये कहा गया कि उससे इन्फॉर्मेशन वगैरह, और एक मिनट पिछला भी पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, इस तरीके से हमने बात की। अगला जो इसका पेज है वो है कहाँ गया, ये भी एक भयंकर समस्या है। रुको भाई मैं इसको कर लेता हूँ, एक मिनट, 39 नंबर, चलो इसको दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे को लगता है, भयंकर समस्या है ये तो हमारी बाबू। ऐसे कैसे होता है भाई, कभी कभी हो जाता है और मेरे को इसका ध्यान ही निकालते कैसे हैं, एक मिनट का वेट कर लीजिएगा आप। हाँ ये पेज है अब हमारा यहाँ पर, ये पेज है, ठीक है अब आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से। तो क्या है, द ईडी सल्यूट्स रीच्ड मिस्टर सोरेन्स रेजिडेंस, वो पहुँचे लगभग 1 बजे भी जो पूछताछ करने के लिए पहुँचे, एन ऑफिशियल सेट, ठीक है भाई ऑफिशियल ने कहा। द सी आई एस एफ जानते हैं टास्क्ड विद द सिक्योरिटी ऑफ द ईडी ऑफिशियल्स, भी जो CISF थी उसके लिए वो टास्क फोर्स चली गई उनकी सिक्योरिटी के लिए। आर यूजिंग हाई रेजोल्यूशन बॉडी कैमराज, भी हाई रेजोल्यूशन बॉडी कैमराज के साथ गई टू कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज अराउंड सोरेन्स रेजिडेंस, भाई सोरेन्स के जो रेजिडेंस है घर के आसपास जो एक्टिविटी है उनको ट्रैक करने के लिए उन्होंने ये बात कही। अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये यहाँ पर आ गया,
ये बात है भाई, उन्होंने ये बात कही ठीक है। CRPF पर्सोनल, पर्सोनल क्या होता है अभी तो हमने बताया था, जो आर्म फोर्स होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं CRPF पर्सोनल हैव ऑल्सो बीन डिप्लॉयड। भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्मी जो आर्म्स फोर्सेस थी, जो सोल्जर्स थे, जहाँ पर उनकी नीड थी वहाँ पर उनको स्थापित कर दिया भाई, वहाँ पर उनकी जरूरत पड़ सकती है। डिप्लॉय का मीनिंग भी हमने किया था, पर्सोनल का मीनिंग भी हमने किया था, सेम सा मीनिंग था ठीक है ना। डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर्स एट द स्पॉट, भी लार्ज नंबर पर उन्होंने क्या किया, आर्म फोर्स को तैनात कर दिया। CRPF पर्सोनल ने क्या किया, लार्ज नंबर पर बहुत बड़ी संख्या में आर्मी फोर्सेस को तैनात कर दिया। मीनवाइल द JMM कन्वीन्ड ए मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई ऑफ इट्स लेजिस्लेचर्स एट सोरेंस रेजिडेंस, भी उन्होंने उसके रेजिडेंस पे क्या बुलाई बेटा, एक मीटिंग बुलाई। ये आसान था, इसमें थोड़ा बहुत करवाऊंगा, थोड़ा बहुत आपने खुद करना है ठीक है। अगला हो गया था ED इज क्वेश्चनिंग, भाई क्वेश्चन कर रही थी द CM, वी आर ऑल्सो होल्डिंग अवर मीटिंग, भी हम भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। एनी स्ट्रेटजी, जो आपकी स्ट्रेटजी है अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द आउटकम, जी इसका जो रिजल्ट है उसके बारे में थी ऑफ द क्वेश्चनिंग, भी क्या थी, ED क्वेश्चनिंग कर रही थी CM से, भी हम भी तो अपने मीटिंग्स वगैरह अरेंज कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी है अबाउट द फ्यूचर कोर्स, भी फ्यूचर कोर्स के बारे में जो भी आपकी स्ट्रेटजी है ऑफ एक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द, क्या किस पे बेस्ड होगी, ऑन द आउटकम जो रिजल्ट आएगा उस पे बेस्ड होगी, ऑफ द क्वेश्चनिंग, कौन सी क्वेश्चनिंग, JM जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन कौन सा होता है, जो किसी की तरफ से बोलता हो। सुप्रियो भट्टाचार्य जो थे टोल्ड PTI, उन्होंने PTI से कहा। आगे भी है क्या, हाँ है आगे है, जमतारा MLA इरफान अंसारी हु मेट सोरेन बिफोर बींग क्विज्ड, भी जो सोरेन से उस मुख्यमंत्री से जो क्वेश्चन आंसर किए गए थे भारी मात्रा में, कह सकता हूँ जब ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे उससे पहले मिले थे, उससे पहले मिले थे भाई, बाय द ED ऑफिशियल्स, भाई ऑफिशियल्स के ठीक है भाई, ऑफिशियल्स ने क्वेश्चन किए थे। सेड द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड पार्टी वर्कर्स टू बी पेशेंट, भी उनको कहा कि पेशेंस रखें भाई, उनको कहा बेटा पेशेंस रखें। अगला है द CM आफ्टर सीइंग मी, भी मिलने के बाद टर्न्ड इमोशनल, भाई सी का मीनिंग यहाँ पर मिलना हो गया, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कहीं मैं पढ़ाता रहूँ, ठीक है अभी टाइम पड़ा है थोड़ा सा। क्या बोला भाई, CM ने मिलने के बाद टर्न्ड इमोशनल हो गए एंड आस्क्ड, कहा अस टू हैव पेशेंस, भी पेशेंस रखें। अंसारी ने यह बात कहा कि वो CM से मिले और उन्होंने ये कहा कि वो इमोशनल होकर बोले कि आप पेशेंस रखें ठीक है भाई। आस्क्ड अबाउट द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्या होता है, बहिष्कार होता है, बाई ट्राइबल्स अगेंस्ट द ED समन्स, ठीक है भाई, जो उसके विरोध में जो ट्राइबल्स ने जो क्या किया था, विरोध किया था, समन्स भेजा गया था सोरेन को उसके खिलाफ। भट्टाचार्य सेड इट वाज स्पॉन्टेनियस, भी अचानक हुआ है जो भी हुआ है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया, नेचुरल और अचानक होना जिसके बारे में कोई प्लानिंग ना हो। एंड द JMM हैड नॉट टेकन एनी कॉल ऑन दैट, और उनको कोई कॉल भी नहीं की गई, और उनको क्या नहीं की गई बेटा, कोई कॉल भी नहीं की गई। JMM वर्कर्स आर्म्ड विद बोज एंड एरोज, भी क्या ओके भाई, उनको बोज और एरोज से आर्म किया गया था। वर रिपोर्टेडली स्पॉटेड अराउंड 100 meters फ्रॉम द CM's रेजिडेंस, उनको भी 100 meters अराउंड के लगभग आर्म्स फोर्सेस की बात की गई। आगे है कांग्रेस झारखंड प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर सेड, भी कांग्रेस झारखंड के प्रेसिडेंट जो राकेश ठाकुर है उन्होंने कहा दैट पार्टी MLAs वर ऑल्सो प्रेजेंट टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विच सोरेन, भी वो क्या कहे, वो खुद सॉलिडेरिटी विच सोरेन उसके बारे में उनकी जो बात हुई, भी उन्होंने क्या कहा भी, जो एग्रीमेंट है जो सपोर्ट करने की बात होती है उन्होंने भी वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन है कौन है भाई, हाँ राजेश ठाकुर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो झारखंड एडवोकेट कौन है, जनरल राजीव रंजन, DGP अजय कुमार सिंह, डिप्टी कमिश्नर रांची राहुल कुमार सिन्हा, ये जो भी नाम है इनको आप ध्यान रखोगे, आर ऑल्सो सोरेन रेजिडेंस ट्यू व्यू, भी उनके उन सबको देखने के लिए जो ED उनसे क्वेश्चन आंसर कर रही थी। द इन्वेस्टिगेशन परटेंस टू अ ह्यूज रैकेट, क्या किया,
द इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ से कनेक्टेड थी, परटेन टू का मीनिंग क्या पता है, किसी चीज़ से कनेक्ट होना, टू अ ह्यूज रैकेट, रैकेट कौन सा था, इलीगल चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड बाय द माफिया, भाई माफिया के द्वारा जो लैंड ने लैंड का जो ओनरशिप कर लिया गया था, जमीन हथियार ली गई थी झारखंड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्रोब एजेंसी, सेंट्रल प्रोब एजेंसी के अकॉर्डिंग, सेंट्रल प्रोब एजेंसी के अकॉर्डिंग। अगला है कमिश्नर रांची राहुल कुमार सिन्हा एंड SSP चंदन कुमार सिन्हा आर ऑल्सो एट सोरेंस रेजिडेंस, भी वो भी उसके घर में थे इन व्यू ऑफ, ये दोबारा करवा रहा हूँ क्या मैं, अच्छा अच्छा हाँ, इट हैज सो फार अब तक अरेस्टेड 14 पीपल इन द केस, भाई अब तक 14 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था इंक्लूडिंग 2011 बैच IAS ऑफिसर छवि रंजन, भी जो 2011 बैच की छवि रंजन जो IAS ऑफिसर थी उसको भी उन्होंने गिरफ्तार किया था। ये आपके करंट अफेयर में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। अगला हु सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, भी उन्होंने स्टेट सोशल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के रूप में काम किया था एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ रांची, जो रांची की डिप्टी कमिश्नर भी थी, भी उसको भी गिरफ्तार किया, भी वो ऐसे काम क्यों कर रही है, अगर आपको सरकार इतना कुछ दे रही है तो फिर भी आप अगर ऐसी हरकतें करते हो तो बहुत गलत बात है। सोरेन हेडफील्ड ए पेटिशन बिफोर द सुप्रीम, सोरेन हेडफील्ड ए पेटिशन, भाई उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करवाए सभी से बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड द झारखंड हाई कोर्ट, ठीक है, सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द ED एक्शन, सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द, भाई उन्होंने हेल्प मांगी किससे प्रोटेक्शन के लिए, हाय हेल्प मांगी या उनसे परमिशन ली फ्रॉम द ED एक्शन टर्मिंग द सम्मन्स, वो जो सम्मन्स आ रहे थे उनके लिए अनवॉरंट, जी उनके लिए वॉरंट भी नहीं निकला था, बोथ द कोर्ट्स सब्सिक्वेंटली डिसमिस्ड हिज पेटिशंस, भी दोनों कोर्ट ने उनकी चीज़ को डिसमिस कर दिया। झारखंड गवर्नर CP राधा कृष्णन हैड अर्लियर, ये दिख भी नहीं रहा मेरे को, लाइट पड़ रही है, अर्लियर दिस वीक सेड दैट द ED वॉज डूइंग इट्स ड्यूटी एंड सोरेन हैज शुड प्रोवाइड द राइट आंसर टू द प्रोब एजेंसी, भी उनको राइट आंसर भी देने पड़ेंगे, उन्होंने उनको ये बात बोली थी। तो ये जो मेन चीज़ पढ़ाने वाली थी वो तो मैं लगभग आपको भाई पढ़ा चुका हूँ। कहाँ तक हो गया था हमारा, ये हो गया था क्या है भाई, डिसमिस कर दिया गया था, और झारखंड से गवर्नर हैं CP कृष्णन हैड अर्लियर हिज दिस वीक सेड, उन्होंने कहा दैट द ED वॉज डूइंग इट्स ड्यूटी, वो अपनी ED है, अपनी ड्यूटी कर रही है, एंड सोरेन शुड प्रोवाइड द राइट आंसर टू द प्रोब, भाई सोरेन को उनको राइट आंसर देने चाहिए और देने चाहिए, इसके बारे में बात हुई। अगला क्या है, इन द 81 मेंबर्स झारखंड असेंबली, भी झारखंड असेंबली के जो 81 मेंबर्स थे द रूलिंग कोएलिशन होल्ड्स 47 सीट्स, वो कोएलिशन क्या हो गया, जो गठबंधन से सरकार बनती है उसमें 47 सीट्स इंक्लूडिंग 29 MLAs फ्रॉम द JMM, भाई उनकी तरफ से कौन से थे, 29 MLA थे एंड 17 फ्रॉम द कांग्रेस, भी क्या था 81 टोटल मेंबर्स की वो सरकार बनी थी, 47 किसी के थे, 29 किसी के थे, 17 किसी के थे, इस तरीके से जो भी थी, ठीक है, एंड हाँ सॉरी 47 सीटें थी, 47 में से 29 JMM की थी, 17 कौन सी थी, 17 कांग्रेस की थी और 1 कौन सा था RJD से एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, यानी मार्क्सवादी जो पार्टी है उसके बारे में बात की उन्होंने, ठीक है भाई, बस इतना ही था क्या, मुझे लगा पता नहीं कितना बड़ा है। तो मेरे भाई ये था आज का हमारा द हिंदू जिसके बारे में हमने बात की। तो द हिंदू अगर आप अच्छा रुझान दोगे, अगर आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझोगे और अच्छे तरीके से आप मेरा साथ दे जाओगे, अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर करोगे, अच्छे तरीके से देखोगे, अच्छे तरीके से आप कमेंट्स में बताएंगे, अच्छे तरीके से आप फॉलो वगैरह करोगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और भी मिलेंगी। तो कल की हे भगवान, कल की क्लास स्पोकन की है क्या, अच्छा हाँ कल की क्लास रहने वाली है आपकी स्पोकन की, पिछली क्लास आपकी बेटा वोकैब की थी और स्पोकन के बाद आपका वही टेंस का 3 दिन दौर चलेगा टेंस का, तो टेंस की क्लासेस भी आपकी ऑटोमेटिकली आगे होती रहती। तो माय डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।